है, सुनो मेरी बात ध्यान से। जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? हम लोगों ने डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था, हम लोगों ने डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। हम लोग एटम को और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है? तो लेकिन 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 इवेंचुअली बाद में हमने एटम को किस चीज में डिवाइड कर दिया? तीन सब एटॉमिक पार्टिकल में, दैट इज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना? अब जब हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता चल गया कि एटम क्या बना हुआ है, इन चीजों का बना हुआ है, फिर सवाल उठे इन रिलेशन टू व्हाट? फिर सवाल उठे इन रिलेशन टू द फैक्ट कि अगर एटम इन तीन पार्टिकल्स का बना हुआ है तो ये जो तीन पार्टिकल्स हैं ये एटम के अंदर किस तरीके से अरेंज है, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक प्रोटॉन है, या फिर दो एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है और बीच में न्यूट्रॉन है, कि क्या किस तरीके का स्ट्रक्चर एटम का होगा? तो अलग अलग बंदों ने क्या करा, अलग अलग कंसेप्ट दिए किसके, मैटर के। किसके कंसेप्ट दिए, मैटर के, ठीक है? तो वो सारी थ्योरीज जो अलग अलग लेवल के साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे दी थी, वो आपको इस चैप्टर में क्या करनी है, पढ़नी है, क्लियर? ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एटम में कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तीन। कौन से हैं वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है? तो इनके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए, जैसे कि किसने डिस्कवर किया, इनका मास कितना है और इनका चार्ज कितना है, क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना लेंगे, ठीक है ना? पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, मास और चार्ज, ठीक है? तो सबसे पहले पार्टिकल हम लोग कौन सा उठाते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जे जे थॉमसन। किसने डिस्कवर किया था, जे जे थॉमसन। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, ई गोल्डस्टीन, ठीक है? और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, शैडबैक। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, चैडविक ने। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.31 इंटू सॉरी 9.14 इंटू 10^-31 केजी। इसका मास होता है 1.6 इंटू 10^-28 केजी, और इसका होता है 1.602 इंटू 10^-28 केजी। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, दैट इज -1.6 इनटू 10^-1 -1.6 इनटू 10^-19 कूलम। इसका होता है +1.6 इनटू 10^-19 कूलम, और इसका क्या होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इज इट क्लियर टिल हियर? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि देखो इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर करे, ठीक है? तो जब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करे, तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करे थे किसने, जे जे थॉमसन ने। अब इसका जो एक्सपेरिमेंट होता है हम लोग कहते हैं उसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे या फिर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं, कैथोड रे या फिर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना? अब ध्यान से देखना कि हुआ क्या। जे जे थॉमसन ने एक इस तरीके का ट्यूब लिया, क्या लिया, एक इस तरीके का ट्यूब, ठीक है ना? इस ट्यूब को उसने नाम क्या दिया, डिस्चार्ज ट्यूब। क्या नाम दिया, डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब में इसने क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, मतलब दो इलेक्ट्रिक रॉड्स लगा दिए, ठीक है ना? और इन दो इलेक्ट्रिक रॉड्स को इसने एक पावर सोर्स से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और ये जो पावर सोर्स था ये 10,000 वोल्ट का। आई बात समझ में?
अब क्योंकि ये साइड पॉजिटिव था तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड था वो भी कैसा था, पॉजिटिव, और क्योंकि ये साइड नेगेटिव था तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड था वो भी कैसा था, नेगेटिव। और यहाँ पर इसने साथ में क्या करा, एक वैक्यूम पंप लगा दिया। क्या लगा दिया? वैक्यूम पंप। लगाने का पर्पस क्या था? वैक्यूम पंप लगाने का पर्पस ये था कि यहाँ पर जो प्रेशर हो, यहाँ पर जो प्रेशर हो वो कितना हो, 0.001 mm ऑफ Hg, यानी कि यहाँ पर बहुत लो प्रेशर, ऑलमोस्ट वैक्यूम जैसा एटमोसफेयर कर दिया, क्रिएट कर दिया। इसके साथ ही इसने क्या करा, एक चीज और करी, यहाँ पीछे एक जिंक सल्फाइड की, एनोड के पीछे एक जिंक सल्फाइड की क्या लगा दी, स्क्रीन लगा दी। क्या लगा दिए जिंक भाई, बस ना, यहाँ बोले स्क्रीन भी नहीं बोलते, जिंक सल्फाइड यहाँ पर मटेरियल क्या कर दिया, लगा दिया। अब ये 10,000 वोल्ट का जब यहाँ से क्या हुआ, प्रेशर, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का करंट पास हुआ, तो हम लोगों ने देखा क्या कि ये जो जिंक सल्फाइड की क्या है, स्क्रीन है, ये जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है ये क्या होने लग गई, चमचमाने लग गई। ये क्या करने लग गई, चमचमाने लग गई। इस चमचमाने को कहते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दिखने लग गई, फ्लूरेसेंस दिखने लग गई। क्या दिखने लग गई, फ्लूरेसेंस लिखने लग गई, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं स्किंटिलेशंस। क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन मतलब ये चमक रही थी। तो इससे एक बात समझ में आई कि ये जो कैथोड है, देखो क्या होता है, जो पॉजिटिव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड, जो पॉजिटिव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड, और जो नेगेटिव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड। तो हमें ये समझ में आया कि जाहिर सी बात है कैथोड से कुछ रेज क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी या फिर निकल रही होगी, और क्योंकि कैथोड से कुछ रेज निकल रही है या फिर रिलीज हो रही है तो जाहिर सी बात है ये रेज क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव से निकल रही है पहली बार, और जा किसकी तरफ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव हमको पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो हमें पता चल गया कि ये जो रेज है ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज रेज है, ठीक है ना। तो इन नेगेटिवली चार्ज रेज को, इन नेगेटिवली चार्ज रेज को इन्होंने क्या बोला, कैथोड रेज बोला। क्या बोला, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज रेज निकली, इस नेगेटिवली चार्ज्ड रेज को क्या बोला गया, कैथोड रेज बोला गया। क्यों हमें पता चला कि ये नेगेटिव है, क्योंकि पहली बात ये कैथोड से एमिट हो रही थी, कैथोड से निकल रही थी, और दूसरी बात ये एनोड की तरफ जा रही थी, क्योंकि ये एनोड की तरफ निकल रही थी, तो और कहाँ से निकलेगी, एनोड से निकल के फिर एनोड की तरफ थोड़ी जाएगी। एनोड से निकल रही है तो सेव हो सकता है, तो एनोड के एनोड से इलेक्ट्रॉन जाएगी देंगे। तो एनोड खुद पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव चीज कैसे एमिट करेगा, आया समझ में, ठीक है। तो क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही थी, क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही थी, इसलिए ये कैसे थी बेटा, क्या होता है, क्योंकि जब एयर अगर इसमें ज्यादा होती, तो अगर एयर ज्यादा होती, एयर अगर ज्यादा होती तो एयर आयनाइज हो जाती, मतलब एयर के अंदर चार्ज आ जाता, तो हमें पता नहीं चलता कि अंदर कोई पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए हम लोगों ने क्या करा, इसका प्रेशर बहुत कम रखा ताकि जो भी पार्टिकल्स हो वो इन्हीं सब्सटेंसेस से हमको मिले, ठीक है। और हम लोगों ने बोला क्योंकि ये रेज जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये किससे बनी होगी, ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से बनी होगी, और इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए। इज इट क्लियर। इसका नाम था क्या, ई गोल्डस्टीन। क्या था नाम, ई उसको गोल्डस्टीन। शक हुआ कि अगर कैथोड से कुछ पार्टिकल्स निकल सकते हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो देर इज अ हाई चांस कि एनोड से भी कुछ पार्टिकल्स निकल जो पॉजिटिव चार्ज हो। तो उसने फिर से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा। उसने क्या करा, फिर से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें दो ये रखे रॉड्स रखे, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं रॉड्स को, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ठीक
ठीक है ना। और अगेन एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, एक नेगेटिव से कनेक्ट किया। जो पॉजिटिव से कनेक्ट किया उसका नाम क्या होगा? एनोड। जो नेगेटिव से कनेक्ट किया उसका नाम क्या हुआ? कैथोड। ठीक है ना। और फिर से यहाँ पे क्या कर दिया? वैक्यूम पंप लगा दिया। क्या लगा दिया? ठीक है ना। मतलब पूरा सेटअप क्या कर दिया? सेम रखा, बस दो चेंजेस करे। एक, इन्होंने इस बार जो कैथोड लिया वो परफोरेटेड लिया। क्या लिया? परफोरेटेड मतलब क्या होता है? इसमें कुछ छेद। कैसा लिया? परफोरेटेड कैथोड। क्यों? क्योंकि अगर कैथोड परफोरेटेड होगा तो हमें पता चलेगा क्या कि हो सकता है कुछ रेस किसने रिलीज करी हो? एनोड ने भी करी हो। ठीक है, तो इस बार इसने क्या करा? परफोरेटेड कैथोड लिया और यहाँ फिर से जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रख दी। क्या रख दी? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, क्योंकि वो आयनाइज्ड जो पार्टिकल्स रहते हैं ना उससे वो होती है स्केंटिलेशन प्रोड्यूस करती हैं, चमचमाती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। जब इन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई तो इन्होंने देखा क्या कि कुछ पार्टिकल्स या कुछ रेस कहाँ से रिलीज हो रही है? एनोड से भी। यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो भी क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। तो इन रेस को नाम किया दिया गया क्या? एनोड रेस। इन्हें कॉमनली हम लोग कैनाल रेस भी बोलते हैं। इन्हें कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं? कैनाल रेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन रेस को नाम दिया एनोड रेस या फिर कैनाल रेस। और ये जो एनोड रेस या कैनाल रेस थी ये कैसी होगी बेटा? पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ जा रही थी। और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स थे जिन पार्टिकल्स की ये बनी हुई थी उन्हें इन्होंने क्या नाम दिया? प्रोटॉन्स। क्या नाम दिया? आया समझ में? तो इससे क्या हुआ? डिस्कवरी हुई किसकी? इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। यानी कि दो फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसका एटम बनता है वो डिस्कवर हो गए। अब कुछ स्कूल्स में हमें प्रॉपर्टीज भी पढ़ाते हैं किसकी? एनोड रेस की और कैथोड रेस की। ठीक है ना। तो एनोड रेस और कैथोड रेस की जब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने को जाते हैं तो कुछ इस तरीके से होती है। पहला बार क्या? दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। दे ट्रैवल इन एनोड रेज और कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन। हमें कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं? क्योंकि हम लोगों ने जब दोनों रेस के रास्ते में एक सपोज इससे कोई रेज निकल रही है, एक कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो इस ऑब्जेक्ट की क्या हुई? शेडो बन गई। इस ऑब्जेक्ट की क्या हो गई? तो क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की शेडो बनी तो इस बात से पता चल रहा है कि ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रही थी, मतलब ये साइड से निकल पा रही थी, इन्होंने शेडोज कास्ट करी। सेकंड, दे हैव मैकेनिकल एनर्जी। दे हैव मैकेनिकल, अगेन हमें कैसे पता चला कि इनके पास मैकेनिकल एनर्जी है? जब इनके पाथवे में हमने एक लाइट पैडल व्हील रखा। क्या रखा? एक फिर अपनी आती है ना जो हवा से गोल 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 घूमती है, तो जब हमने इनके रास्ते में एक लाइट पैडल व्हील रखा तो ये जो लाइट पैडल व्हील था ये रोटेट करने लग गया। ये क्या करने लग गया? रोटेट करने लग गया। और इसके रोटेट करने से हमें समझ में आया कि ये मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा थर्ड चीज, दे कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। अगेन हमें कैसे पता चला कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है? तो अगेन हमने डिस्चार्ज ट्यूब में क्या करा? एक पतली सी मेटल मेटल फॉइल रख दी। क्या रख दी? एक पतली सी। तो जब हमने इनके रास्ते में एक पतली सी मेटल फॉइल रखी तो ये मेटल फॉइल क्या हो गई? हीट हो गई, गर्म हो गई, जिससे पता चला कि ये जो वेव्स है ये क्या कर सकती है? हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है ना। चौथा, फोर्थ, ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या कर सकती है? प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि इसके रास्ते में जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो इसने मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया? डिफ्लेक्ट कर दिया। और जब कैथोड रे के रास्ते में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड
लगाई तो वो पॉजिटिव की जगह तरफ से लेकिन क्योंकि वो खुद क्या थी नेगेटिव, क्यों और एनोड रेल के रास्ते में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो वो किस तरफ से लेगी नेगेटिव की तरफ क्योंकि वो खुद क्या थी पॉजिटिव। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है ना। थॉमसन ने बोला कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, जो एक एटम का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, कि एक एटम एक स्फेरिकल शेप में होगा सबसे पहली बात, ठीक है ना। इस पूरे स्फीयर में सब जगह पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इक्वली। इस पूरे एटम में सब जगह क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। पूरे एटम में सब जगह क्या होगा, ठीक है। और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें कहीं कहीं धसे हुए होंगे, लेकिन जितने का पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज भी उतने का ही होगा, सो दैट द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो दिस वाज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। क्या था थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, कि जो एक एटम होता है वो एक यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं या धसे हुए होते हैं, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एटम में उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। क्लियर? ये तो हुई क्या पहली बार। लेकिन 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 रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया, फेल। क्या हो गया, तो एग्जाम में पूछते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल की क्या ड्रॉबैक थी, रदरफोर्ड के मॉडल की क्या ड्रॉबैक थी, तो हम लोग लिखेंगे इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल scattering experiments, Rutherford's alpha particle scattering experiment, अभी आगे बढ़ाऊंगी scattering experiment and other experiments, तो क्योंकि ये उन experiments के observations क्या नहीं कर पाया था, explain नहीं कर पाया था, इसलिए Rutherford Thomson का model क्या हो गया, fail हो गया। क्या Thomson का model सभी को समझ में आया? 50 चलो, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था? रदरफोर्ड ने क्या करा बेटा, एक लेड बॉक्स लिया, क्या लिया, एक लेड, एक मेटल होता है बेटा, तो इस मेटल का इसने क्या लिया, एक बॉक्स लिया, ठीक है ना। इस लेड बॉक्स में इसने रखा रेडियम, क्या रखा, लेड, तो इसने इसमें क्या रखा, रेडियम रखा। रेडियम क्यों रखा, क्योंकि रेडियम अपने आप में क्या था, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्या था, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब मुद्दा ये है कि ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है ना, तो अल्फा पार्टिकल अपने आप में क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ये क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिसके ऊपर चार्ज जो होता है वो कितना होता है, +2 units का, और जिसका जो मास होता है वो कितना होता है, +4 units का। सो इट हैज अ चार्ज ऑफ +2 units एंड अ मास ऑफ +4 units, ठीक है ना। अब इस एक्सपेरिमेंट में ये क्या करना चाह रहा था, क्योंकि क्योंकि थॉमसन ने बोला था, थॉमसन ने क्या बोला था, कि जो एटम होता है वो पूरा की पूरा कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और अल्फा पार्टिकल खुद भी क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल इसके पास आएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, इसलिए ये अल्फा पार्टिकल इधर आके इससे दूर चले जाएंगे, ऐसा इसने सोचा था। रदरफोर्ड का थॉट क्या था, रदरफोर्ड का थॉट क्या था, कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है तो अगर, और हमारा एटम भी सब जगह से क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ऐसे में जब भी कोई अल्फा पार्टिकल इसके पास आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, यानी कि दूर भगा देगा, ठीक है। नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव तो कहीं कहीं है, पर मैक्सिमम एरिया कौन कवर कर रहा है,
पॉजिटिव तो ऐसे में पॉजिटिव उसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा, यानी कि नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा लेकिन पॉजिटिव ज्यादा रिपेल करेगा। ठीक है, पावर दोनों के पास सेम था, सिर्फ पॉजिटिव फैला हुआ ज्यादा था। और यहाँ इसने क्या ले ली, एक स्लिट ले ली। स्लिट क्यों ली, ताकि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे आए, एक स्ट्रेट लाइन में, कैसे आए एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो क्या हुआ, देखा कि अल्फा पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में आए। इसके पीछे इसने क्या करा, एक गोल्ड फॉइल लगा दी। क्या लगा दी, एक, ठीक है ना, क्या लगा दी, एक गोल्ड फॉइल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसने यहां पर एक गोल्ड फॉइल ही क्यों लगाई, इसने यहां पर एक गोल्ड फॉइल क्यों लगाई। तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, इसको गोल्ड फॉइल जो होती है वो बहुत मैलिएबल होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा मैलिएबल, मतलब इसको अपन बहुत थिन शीट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते। तो क्योंकि ये हाईली मैलिएबल होती है तो इसकी हम लोगों ने क्या बना दी, बहुत थिन शीट बना दी। कितनी थिन, 1000 एटम्स थे, कितनी, 1000 एटम्स थे। और बाकी बाकी हम लोगों ने क्या करा, हर जगह लगा दिए क्या, डिटेक्टर्स, हर जगह क्या लगा दिए, यहां से लेके यहां तक क्या लगा दिए, डिटेक्टर ही डिटेक्टर लगा दिए। अब बहुत ध्यान से, रदरफोर्ड को क्या लगा था कि ये ऐसे आएंगे और ऐसे चले जाएंगे, ऐसे आएंगे और ऐसे चले जाएंगे, ऐसे आएंगे और ऐसे चले जाएंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव हैं और एटम में भी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मुद्दा ये है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या मुद्दा है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, नहीं ना वो